हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम भारतीय इतिहास के इतिहास से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो आपके एसआई मेंस के लिए, साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके आने वाले एग्जाम एसआई मेंस है, साथ ही साथ पीएससी मेंस का भी, तो उन सभी एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड जो रिपोर्ट है खालिस्तान के द्वारा इसको आधार बनाया गया था, तो आपके भारत शासन जो अधिनियम 1919 के तहत इसको बनाया गया था, या भारत जो परिषद जो अधिनियम है 1919 के तहत 1909 है, सी आपका भारत जो सरकार जो अधिनियम 1935 के तहत, या आपके भारतीय स्वतंत्र जो अधिनियम 1947 के अनुसार। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो मॉन्टेग्यू जो जेम्स बोर्ड जो रिपोर्ट ये कौन से सन में आई थी, तो इसको याद रखिएगा सन 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड जो रिपोर्ट आई गई थी, या आपका भारत शासन जो अधिनियम इसके तहत इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड सुधार वगैरह इसमें इसको कहा गया है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा जेम्स बोर्ड वासर आए थे, इसी के कारण आपके 1919 में भारत शासन अधिनियम का आधार बनाया गया था मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड रिपोर्ट ने, तो इसको याद रखिए। इसका भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है अलग अलग एग्जामों में। तो प्रश्न दो है हमारा, नील दर्पण जो नाटक है निम्नलिखित किस इसके जो रचयिता है किससे कौन से विद्रोह से संबंधित है, तो आपके संताल विद्रोह, या आपके पंबन देंगे चंपारण सत्याग्रह, या आपके इंडिगो आपका विद्रोह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नील दर्पण जो नाटक है, या आपके निम्नलिखित किस विद्रोह से संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नील विद्रोह। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, संताल विद्रोह नहीं, आपका नील विद्रोह है। तो नील विद्रोह से संबंधित है, याद रखिएगा नील विद्रोह से संबंधित है। और नील दर्पण जो एक बांग्ला प्रसिद्ध नाटक है, जिसके जो रचयिता थे आपके दीनबंधु जो मित्र इसके रचयिता है नील दर्पण के। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नील विद्रोह के रचयिता अगर कौन से, तो ये दीनबंधु मित्र इसके नील दर्पण जो कि बांग्ला प्रसिद्ध नाटक है इसके रचयिता है, और इसका 1860 में इसको जो कि निकाला गया था, तो इसको याद रखिए 1860 में इसको निकाला गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कौन से जो कि 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को सबसे महत्वपूर्ण जो कारण यहाँ पे बना था, तो आपके वैज्ञानिक आविष्कार, पश्चिमी शिक्षा और जागरण, औद्योगिक क्रांति, या समाचार पत्रों को अभाव। इसका जो सही ऑप्शन देखें तो हम इसका पश्चिमी शिक्षा और जागरण के, या इसके जो महत्वपूर्ण कारण था जिसमें आपका 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण इसको कारण इसको माना जाता है, तो पश्चिमी शिक्षा और जागरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे राजस्व बंदोबस्त के जो महलवाड़ी जो प्रणाली निम्नलिखित किस दिन से शुरुआत इसकी की गई है, तो इसको बंगाल, बम्बई, उत्तर पश्चिमी प्रांत, या मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत है। तो यहाँ जैसे राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली यहाँ पे इस दिन से शुरुआत की गई थी आपके उत्तर पश्चिमी प्रांत से, तो इसको याद रखिए। महलवाड़ी जो व्यवस्था है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको 1822 में, याद रखिएगा 1822 में इसको लाया गया है, ख़ास करके आपके उत्तर प्रदेश, यूपी और आपके पंजाब और आपके मध्य प्रदेश, इन तीनों में लागू की गई थी भू राजस्व प्रणाली। तो कोई याद रखे 1822 में इसको महलवाड़ी जो व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1822 में लाया गया था। कहाँ कहाँ लाया गया था, तो भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके उत्तर प्रदेश और आपके पंजाब और आपका मध्य प्रदेश, इन तीनों में जो कि भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित किसने 1802 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था, आपके ये आपके बाजीराव द्वितीय हैं, आपके पाटराव, आपके बाजीराव, या आपके आपके बंदा बहादुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाजीराव जो द्वितीय थे, इन्होंने आपके बाजीराव जो द्वितीय है इसका सही आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं पीडीएफ में इसको सुधार दूंगा, एडिट कर दूंगा। तो बाजीराव जो द्वितीय थे, बाजीराव
जो द्वितीय थे इन्होंने सन 1802 में आपके बेसिन के संधि में 1802 को हस्ताक्षर इन्होंने किए थे, और इस संधि में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। तो इसको याद रखें, ब्रिटिश इंडिया कंपनी और आपको बाजीराव द्वितीय के बीच यह संधि बेसिन की संधि हुई थी। कौन से सन में हुआ था तो याद रखिएगा 1802 में बेसिन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत निम्नलिखित किस तारीख को हुई थी, तो 11 फरवरी 1931 और आपका 27 फरवरी 1931 या आपके 13 अप्रैल 1931 को या 14 अगस्त 1931 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27 फरवरी 1931, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में इन्हें अंग्रेज फौज से अकेले भीड़ पड़े थे आज़ाद, तो 27 फरवरी 1931 को इस दिन शहीद हुए थे, तो तब से हम इसका शहादत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इनका 24 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, IMP करके इसको रख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो लॉर्ड जो चार्ल्स जो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था। इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखें। तो 1857 के यहाँ पे विद्रोह की जो कि समय के इसके भारत के गवर्नर जनरल इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो देवपाल के द्वारा, धर्मपाल या आपके ध्रुव के द्वारा या गोपाल के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो राजा धर्मपाल थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा धर्मपाल। तो राजा तो आपके धर्मपाल थे, इन्होंने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। तो वर्तमान में जो आपका जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वर्तमान में कौन से आपके स्टेट में स्थित है, तो विक्रमशिला जो आपके वर्तमान में अभी आपके बिहार में अभी वर्तमान में स्थित है, बिहार के आपके भागलपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो राजा जो धर्मपाल थे इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो साम्राज्य था जो सबसे लंबा समय तक शासन इन्होंने किया था, तो पलाश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार वंश या सेना वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो राष्ट्रकूट जो वंश है ये आपका जो साम्राज्य है सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था, याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा दंती जो दुर्ग जो प्रथम थे इन्होंने, दंती दुर्ग जो आपके प्रथम थे इन्होंने इसके जो आपके जो राष्ट्रकूट वंश है इन्होंने स्थापना किया था। ये आपके राष्ट्रकूट जो आपके दक्षिण भारत और मध्य भारत और आपके उत्तरी भारत में सबसे बड़े भूभाग पर जो कि राज्य करने वाला राजवंश है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कई बार इसके एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं, तो 1050, 1022, 1028 या 1035। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1028, याद रखिए। तो ऋग्वेद में टोटल 1028 ऋचाएँ हैं वर्तमान में, आपके जो ऋग्वेद है तो टोटल यहाँ पे 128 ऋचाएँ हैं। तो वैदिक काल में जो मंत्र जो गाकर पढ़े जाते हैं वो आपके ऋचा कहलाते हैं, तो याद रखिए। तो मंत्र गाकर जो पढ़े जाते हैं उसको ऋचा कहलाते हैं वैदिक काल के सभ्यता में, तो इसको याद रखिए। इसका जो सी ऑप्शन 1028 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कालीबंग इनमें से वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है, तो आपके गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। तो कालीबंगा जो आपके जो कालीबंगा है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिए। प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से मिले आपके राजस्थान के आपके हनुमानगढ़ जिला से, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, याद रखिएगा। जो राखीगढ़ी है
आपका जो राखी गढ़ी है, ये आपका जो राखी गढ़ी आपके है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। तो इसको याद रखिए, राखी गढ़ जो आपका राखी गढ़ी, ये आपका सबसे बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा भारतीय स्थल इसको मानी मानी जाती है सिंधु सभ्यता का। तो इसका याद रखिएगा, इसमें राखी गढ़ी में दो टीले भी खोजे गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे सिंधु सभ्यता का जो सबसे भारी जो भारतीय स्थल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से यहाँ पे जो कि मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो आपके लोथल से, कालीबंग, बनावली या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। याद रखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे खनन से यहाँ से पता चला था, मोहनजोदड़ो से यहाँ से जो कि एक मूर्ति मिली है, ये आपके मृत्यु का टीला भी इसको कहा जाता है, तो आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसको याद रखिए, हड़प्पा शहर के जो कि महत्वपूर्ण स्थल में से इसको माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो से यहाँ पे मूर्ति मिली है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो आपके औरंगजेब को, अकबर को, या आपके जहांगीर को, या शाहजहाँ को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। याद रखिए, जो औरंगजेब थे इनको जिंदा पीर इसकी संज्ञा दी गई है, तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से इसको जाना जाता था, और उसका जो मूल नाम क्या था, तो वो मोहिउद्दीन जो मोहम्मद है, मोहिउद्दीन जो मोहम्मद इनका ओरिजिनल नाम था। तो इसको याद रखिए, जिंदा पीर किसको कहा गया है? तो आपके औरंगजेब को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्रसिद्ध जो संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आपके आगरा, रायपुर, बहाना या झांसी में। तो प्रसिद्ध जो संगीतकार हैं तानसेन का जो मकबरा आपके वहाँ स्थित है, तो आपके ग्वालियर में स्थित है। याद रखिए, तो यहाँ पे झांसी दे दी गई, लेकिन यहाँ पे ग्वालियर है। तो ग्वालियर में संगीतकार जो बहन जो संगीतज्ञ थे तानसेन, तो इस मकबरे का जो निर्माण आपके मुगल जो बादशाह अकबर ने करवाया था, इसका जो मकबरा है आपके ग्वालियर में स्थित है। और रानी जो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का जो इनका जो मकबरा है आपके झांसी में बना हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आपका ग्वालियर का तानसेन का है, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार थे, और रानी जो लक्ष्मीबाई इनका जो आपके झांसी में इनका मकबरा बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते यहाँ पे, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से इसको जाना जाता था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आहार, सुबह, सरकार, या आपका दस्तूर के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दस्तूर। याद रखिएगा, तो मुगल प्रशासन में जिले को आपके दस्तूर के नाम से इसको जाना जाता था, तो दस्तूर के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसको याद रखिए, प्रशासन की दृष्टि से जो मुगल साम्राज्य का जो बंटवारा आपके सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में जो कि विभक्त था, और परगना आपका महल में विभक्त था, और इसको जिले को दस्तूर में विभक्त किया गया था, जिले का बंटवारा। तो इसको याद रखिएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दस्तूर, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अकबर के समय में महाभारत जो फारसी अनुवाद का जो निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो फैजी के द्वारा, नाजरिक, अबुल फजीली, या उद्वी के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फैजी, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फैजी और आपके अबुल फजल। तो फैजी और अबुल जो फजल थे, इनके द्वारा जो कि इनके द्वारा महाभारत का फारसी में इनको द्वारा अनुवाद जो कि करवाया गया था, किसके द्वारा? तो मुगल जो राजा अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल फजल इनके द्वारा इसको अनुवाद के निर्देशन में किया गया था, महाभारत का जो फारसी अनुवाद। इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको नाम आपके रजनामा, याद रखें, रजनामा नाम दिया गया था फारसी में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी IMP करके रख लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बनारस में, कुशीनगर, सारनाथ, या आपके बोधगया में। तो ये आपका बोधगया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोधगया। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई आपके बोधगया में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? तो आपको 563 यहाँ पे ईस्वी में यहाँ पे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुए थे। कहाँ पे हुआ था? तो बोधगया में हुआ था, और एक वृक्ष के नीचे इनके प्राप्त हुआ था। और ये आपके वैशाख माह के पूर्णिमा बुद्ध जयंती इसी दिन मनाई जाती है, तो खास करके इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? आपको बोधगया, इसको याद रखिएगा। तो बोधगया में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने गौतम बुद्ध गृह त्याग को, जो घर त्याग कर जो गए थे, उनको किस नाम से इसको जाना जाता है? तो धर्म जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभीष निक्रमण या आपके महापरिनिर्वाण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महा आपके भिनिष्क्रमण के नाम से इसको कहा गया है, इसको जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध गृह त्याग को महा जो भिनिष्क्रमण के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इन्होंने पूर्णिमा के रात को 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर की त्याग किया था गौतम बुद्ध ने, याद रखिए। बौद्ध धर्म में इन्होंने महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया है। तो इसका जो आपका महाभिनिष्क्रमण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, जो अक्सर एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुआ, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे और क्वेश्चन मैं अच्छे से अच्छे लाऊंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज सेशन कैसे लगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर चैप्टर को लेके आ जाऊंगा। तो चलिए, थैंक यू।